इस तरह का इंट्रो बनाने के लिए दोस्तों आप लोग बड़ी ही उत्साहित है, हमको पता है। तो हम बहुत ही जल्दी आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले इसमें एक ऐप्स का जरूरत पड़ेगा, आपको सबसे पहले पिक्सल लैब आता है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों पिक्सल लैब ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब खोलना है, और पिक्सल लैब जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टेक्स्ट आ चुका है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल का आइकॉन दिया हुआ और पेंसिल पे, तो यहाँ पर लिख लेना है। तो सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको चैनल का जो नाम है वो आपको ऐड करना है। तो जैसे मेरे चैनल का नाम है अमित टेक्निकल 2.0, तो इसमें हम लिख लेंगे AMIT अमित टेक्निकल 2.0। सिंपली दोस्त तो आपको इतना लिखना है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर बीच में इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद, इतना करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ए देख सकते हैं, ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइज, दोस्तों साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते, देख सकते साइज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते, तो आप अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर लीजिएगा। साइज हम अपने हिसाब से इतना एडजस्ट कर लिए हैं, इसको मेन पॉइंट पे लगा देना है। और इसके आगे आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट लिखा हुआ है, फ्रंट पे क्लिक करना है, और आपको जो स्टाइल में लिखना है वो स्टाइल में आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा, जो यूनिक लगेगा आप वो लोगो ऐड कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम ये ऐड करके ओके पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर इतना 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 करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है आपको। ये मेरा लग रहा है थोड़ा साइज बड़ा हो गया, तो साइज को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं अभी, ये मेरा ठीक है। इतना करने के बाद, इतना लिख लेने के बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद फिर आपको सिंपली इसमें आपको लिख लेना है, नीचे में कुछ लिखना है जो यूनिक लगे, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर पेंसिल पे क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है www. आपको आगे जो भी लिखना है वो सिंपली आप लिख सकते हैं, जैसे हम लिख लेंगे www.amittechnical2.0.com। तो सिंपली इसमें हम सटा सटा के अमित टेक्निकल 2.0.com इतना लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको ओके कर लेना है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसको नीचे में आके छोड़ देना है, इतना आपको छोड़ देना। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, और यहाँ ऊपर में जो आप लिखे इस पर क्लिक करना है, सिंपली सर्कल को इधर करना है, इधर करना है, इधर करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे करना है, यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है। इसको इनेबल जैसे ही कीजिएगा तो उसके अंदर कलर आ जाएगा, तो आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते, देख सकते हैं जो कलर आपको अच्छा लगे आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो इसको इनेबल कर देना है, फिर सही पे क्लिक करना है, फिर देख सकते हैं यहाँ पर आप इसका, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रोक दिखा, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा यूनिक लगने लगा। अगर आप इसका और इसमें भरना चाहते हैं, देख सकते पहले से कितना ऑसम लग रहा है, इसमें आप चाहे कलर कर दें तो कलर भी आप कर सकते हैं, देख सकते सब कलर इसमें, आप जो कलर चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये कलर इसमें ऐड करने वाले हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस साइज हो गया है, आपको साइज कितना रखना है उसमें, कलर उसमें कितना ऐड रखना है, तो फिलहाल हम इतना रख करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हम डालने वाले हैं शैडो, तो शैडो पे क्लिक करना है, शैडो को ऑन कर देना, तो शैडो को ऑन कर दे, देख सकते पहले से कितना ऑसम लग रहा है। फिर इस पर हम कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर दीजिए या जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है, जो कलर आपको यूनिक लगे वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली फिलहाल हम करने वाले हैं रेड कलर, ये कलर हम फिर सिंपली सेट करने वाले हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्लर, यहाँ पर देख सकते हैं इसको ज़्यादा कीजिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम, तो आपके हिसाब अपने हिसाब से इसको इतना कर लेते हैं, फिलहाल हम इतना रहने देते हैं। और ये सब भी देख सकते हैं इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो आपको जिधर और नीचे वाला नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो आपको जहाँ पे वो एडजस्टिंग लगे वहाँ पे आपको करके फिर ओके पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद हम डालेंगे इनर शैडो, इसको ओके कर देंगे तो यही देख सकते कैसा हो गया है। तो अगर ये अच्छा आपको नहीं लगा तो इसको फिर बैक आ जाना,
फीडबैक आने के बाद आपको मेन है यहाँ पर देख सकते हैं 3D, 3D पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 3D लोगो आ चुका है, इस पर आप बैक ऐसे कीजिएगा 3D टैप से, और नीचे में देख सकते हैं साइज इधर उधर होगा, ये देख सकते हैं अभी लग रहा है 3D टैप से, इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्टिंग कर लीजिएगा जो यूनिक लगे। देख सकते हैं फिलहाल हम इतना रहने देंगे, इसको ओके कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3D शैडो है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो नीचे देख सकते हैं शैडो आ चुका है। तो शैडो आ चुका है तो आप सिंपली जो कलर उसमें ऐड करना चाहेंगे, जो कलर आपको यूनिक लगे, आप वो कलर उसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम पहले फिलहाल हम ये कलर ऐड करने वाले हैं, इतना करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो ये मेरा इतना काम हो चुका है। इसको अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में 3D टाइप से जो और ऑसम लग रहा है, इसको कीजिएगा तो ऊपर जाएगा, इसको कीजिएगा देख सकते हैं नीचे आ गया है। तो नीचे हमको नहीं करना है, ऊपर ही रखना है, सटा के थोड़ा हटा के इतना तक हमको रखना है जो पूरा यूनिक लग रहा है, इसको ओके कर देंगे। इतना करने के बाद मेरा ये प्रोसेस हो चुका है। नीचे वाले को करना क्या है, इतना रहने के बाद हमको नीचे वाले का कलर थोड़ा चेंज कर देना दोस्तों। तो कलर पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर आप ब्लैक रखिए, जो भी कलर आप रख के यहाँ पर, और इसका हम थोड़ा स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा उस पर क्लिक करके हम इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर देते हैं दोस्तों। स्टाइल हम कौन सा दे दें जो थोड़ा यूनिक लगे, ये वाला हम दे देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी हम ये वाला ऐड कर दिए हैं, पहले से देख ले बहुत ही ऑसम लग रहा है। और अगर आप इसका साइज भी चाह रहे हैं बड़ा करने, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं साइज है, साइज इसका बड़ा हो जाएगा, जितना आपको यूनिक लगे उतना रख लीजिएगा। और इतना करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ये मेरा लोगो ऐड यानी कि जो बन के आप अपना चैनल का बन के तैयार हो चुका। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे आना है सबसे लास्ट में, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिया हुआ, ट्रांसपेरेंट पे आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं सेव अस का ऑप्शन दिया हुआ, तो सेव अस पे क्लिक करना है। सेव अस पे आपको सेव टू गैलरी में कर लेना है। सेव टू गैलरी में ये मेरा हो चुका है, ये मेरा अभी हम आपको दिखाएंगे, ये मेरा गैलरी में आ चुका है दोस्तों, ये मेरा अभी गैलरी में आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा गैलरी में आ चुका है, ये मेरा गैलरी में आ चुका है। अब आपको एक और ऐप्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो है काइन मास्टर। तो आपको सिंपली काइन मास्टर ओपन कर लेना है। मास्टर ओपन करने के बाद, काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो ले लेना है। इतना लेने के बाद एक बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करना है, एक बैकग्राउंड आपको ले लेना है ब्लैक कलर का, इस पर सेलेक्ट करना है, इसको आपको 5-10 सेकेंड का कर लेना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली लेयर पे हम क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, तो हम वो वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं तो हम वो वीडियो ले लेते हैं। आपको भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो मिल जाएगा, आप भी डिस्क्रिप्शन से वीडियो ले लीजिएगा। तो हम फिलहाल इसको ले लिए हैं, इस पर क्लिक करेंगे, फुल कर देंगे, फुल कर देंगे तो अभी एक बार हम प्ले करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, ये मेरा यहाँ तक आया, ये मेरा गाड़ी जैसे ही निकला, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा गाड़ी जैसे ही लिखना, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, बनाने में एडजस्टिंग होगा। ये मेरा गाड़ी जैसे ही यहाँ से निकला, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही निकला तो इस पर इतना तक आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे फिर क्लिक करना है। अभी जो आपको जो अभी जो आप बनाए हैं वो आपको ले लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पर देख सकते ले लिए हैं, तो इसको यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद एक बार हम प्ले करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार हम प्ले कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं बाइक आया, और बाइक जैसे ही वहाँ पे मूव होता है निकलता है, तो अचानक से निकलता है, तो थोड़ा जो अंदर से निकले थोड़ा अच्छा होकर के निकले, वो अभी हम करने वाले हैं, जो यूनिक लगे, जो लगे कि कुछ निकला है इस टाइप से लगे। यहाँ पर देख सकते हैं अंदर से निकले, यहाँ पर आपको सब तरह का मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सब तरह का लोगो मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो अभी हम आपको करने वाले हैं स्केल अप, स्केल अप पे क्लिक करेंगे, आपको इतना 1.5 के बराबर आपको रख लेना है। इसको एक बार हम प्ले करके आपको दिखाते हैं। मेन पॉइंट दोस्तों यहीं पे है, आपको मेन पॉइंट यहीं पर समझना है आपको,
यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बाइक निकला यहाँ पर देख सकते हैं ये निकला, जैसे ही बाइक निकला तो इसको थोड़ा और हम पीछे कर लेते हैं, जैसे ही वो निकलेगा ये मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा, देख सकते हैं। जैसे ही वो मेरा निकला, अभी देख सकते हैं ये, जैसे ही वो निकला ये मेरा आ चुका है। इतना आने के बाद आपको फिर जहाँ तक रखना है वो ऊपर वाली लेयर पर क्लिक कीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा तो ये कट हो जाएगा, देख सकते हैं। ऊपर वाली लेयर पर फिर क्लिक कीजिएगा, ये मेरा कट हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको इसमें जो म्यूजिक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो म्यूजिक आपको ऐड कर देना है, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसमें आप म्यूजिक ऐड हो चुका है, आप भी म्यूजिक ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते अभी कितना ऑसम, देख सकते ये पहले से कितना ऑसम लग रहा है। और आशा करते हूँ कि हमारे इस तरह की वीडियो आपको समझ में आ गई हो, और हमारे चैनल पर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के बीच हम लाते रहें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।